प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में मन की बात कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करेंगे। ये मन की बात की 53वीं कड़ी होगी। 53वीं बार देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब से थोड़ी ही देर बाद मन की बात करेंगे और जिसके 53वीं कड़ी होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात शुरू करते हुए आज मन भरा हुआ है। 10 दिन पूर्व भारत माता ने अपने वीर सपूतों को खो दिया। इन पराक्रमी वीरों ने हम 125 करोड़ भारतीयों की रक्षा में खुद को खपा दिया। देशवासी चैन की नींद सो सके, इसलिए इन हमारे वीर सपूतों ने रात दिन एक करके रखा था। पुलवामा के आतंकी हमले में वीर जवानों की शहादत के बाद देश भर में लोगों को और लोगों के मन में आघात और आक्रोश है। शहीदों और उनके परिवारों के प्रति चारों तरफ संवेदनाएं उमड़ पड़ी हैं। इस आतंकी हिंसा के विरोध में जो आवेग आपके और मेरे मन में है, वही भाव हर देशवासी के अंतर मन में है और मानवता में विश्वास करने वाले विश्व के भी मानवतावादी समुदायों में है। भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले देश के सभी वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं। यह शहादत आतंक को समूल नष्ट करने के लिए हमें निरंतर प्रेरित करेगी, हमारे संकल्प को और मजबूत करेगी। देश के सामने आई इस चुनौती का सामना हम सबको जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और बाकी सभी मतभेदों को भुलाकर करना है, ताकि आतंक के खिलाफ हमारे कदम पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो, सशक्त हो और निर्णायक हो। हमारे सशस्त्र बल हमेशा ही अद्वितीय साहस और पराक्रम का परिचय देते आए हैं। शांति की स्थापना के लिए जहां उन्होंने अद्भुत क्षमता दिखाई है, वहीं हमलावरों को भी उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम किया है। आपने देखा होगा कि हमले के 100 घंटे के भीतर ही किस प्रकार से कदम उठाए गए हैं। सेना ने आतंकवादियों और उनके मददगारों के समूल नष्ट का संकल्प ले लिया है। वीर सैनिकों की शहादत के बाद मीडिया के माध्यम से उनके परिजनों की जो प्रेरणादायी बातें सामने आई हैं, उसने पूरे देश के हौसले को और बल दिया है। बिहार के भागलपुर के शहीद रतन ठाकुर के पिता राम निरंजन जी ने दुख की इस घड़ी में भी जिस जज्बे का परिचय दिया है, वह हम सबको प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि वे अपने दूसरे बेटे को भी दुश्मनों से लड़ने के भेजेंगे और जरूरत पड़ी तो खुद भी लड़ने जाएंगे। ओडिशा के जगत सिंहपुर के शहीद प्रसन्ना साहू की पत्नी मीना जी के अदम्य साहस को पूरा देश सलाम कर रहा है। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भी CRPF ज्वाइन कराने का प्रण लिया है। जब तिरंगे में लिपटे शहीद विजय सोरेंग का शव झारखंड के गुमला पहुंचा, तो मासूम बेटे ने यही कहा कि मैं भी फौज में जाऊंगा। इस मासूम का जज्बा आज भारतवर्ष के बच्चे बच्चे की भावना को व्यक्त करता है। ऐसी ही भावनाएं हमारे वीर पराक्रमी शहीदों के घर घर में देखने को मिल रही है। हमारा एक भी वीर शहीद इसमें अपवाद नहीं है, उनका परिवार अपवाद नहीं है। चाहे वो देवरिया के शहीद विजय मौर्य का परिवार हो, कांगड़ा के शहीद तिलकराज के माता पिता हो, या फिर कोटा के शहीद हेमराज का 6 साल का बेटा हो, शहीदों के हर परिवार की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। मैं युवा पीढ़ी से अनुरोध करूंगा कि वो इन परिवारों ने जो जज्बा दिखाया है, जो भावना दिखाई है,
उसको जाने समझने का प्रयास करें। देशभक्ति क्या होती है, त्याग तपस्या क्या होती है, उसके लिए हमें इतिहास की पुरानी घटनाओं की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी आंखों के सामने ये जीते जागते उदाहरण है और यही उज्जवल भारत के भविष्य के लिए प्रेरणा का कारण है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज़ादी के इतने लंबे समय तक हम सबको जिस वॉर मेमोरियल का इंतजार था, वह अब खत्म होने जा रहा है। इसके बारे में देशवासियों की जिज्ञासा, उत्सुकता बहुत स्वाभाविक है। नरेंद्र मोदी ऐप पर उडुपी कर्नाटक के श्री ओंकार शेट्टी जी ने नेशनल वॉर मेमोरियल तैयार होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। मुझे आश्चर्य भी होता था और पीड़ा भी कि भारत में कोई नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था। एक ऐसा मेमोरियल जहां राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों की शौर्य गाथाओं को संजोकर रखा जा सके। मैंने निश्चय किया कि देश में एक ऐसा स्मारक अवश्य होना चाहिए। हमने नेशनल वॉर मेमोरियल के निर्माण का निर्णय लिया और मुझे खुशी है कि यह स्मारक इतने कम समय में बनकर तैयार हो चुका है। कल यानी 25 फरवरी को हम करोड़ों देशवासी इस राष्ट्रीय सैनिक स्मारक को हमारी सेना को सुपुर्द करेंगे। देश अपना कर्ज चुकाने का एक छोटा सा प्रयास करेगा। दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि देशवासियों के लिए राष्ट्रीय सैनिक स्मारक जाना किसी तीर्थ स्थल जाने के समान होगा। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। स्मारक का डिजाइन हमारे अमर सैनिकों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक का कॉन्सेप्ट 4 कोसेंट्रिक सर्कल्स यानी 4 चक्रों पर केंद्रित है, जहां एक सैनिक के जन्म से लेकर शहादत तक की यात्रा का चित्रण है। अमर चक्र की लौ शहीद सैनिक की अमरता का प्रतीक है। दूसरा सर्किल वीरता चक्र का है, जो सैनिकों के साहस और बहादुरी को प्रदर्शित करता है। यह एक ऐसी गैलरी है जहां दीवारों पर सैनिकों की बहादुरी के कारनामों को उकेरा गया है। इसके बाद त्याग चक्र है। यह सर्किल सैनिकों के बलिदान को प्रदर्शित करता है। इसमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। इसके बाद रक्षक चक्र सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। इस सर्किल में घने पेड़ों की पंक्ति है। ये पेड़ सैनिकों के प्रतीक हैं और देश के नागरिकों को यह विश्वास दिलाते हुए संदेश दे रहे हैं कि हर पहर सैनिक सीमा पर तैनात है और देशवासी सुरक्षित है। कुल मिलाकर देखें तो राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यह उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके। देश के विकास में हमारे सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के महान योगदान को शब्दों में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में मुझे नेशनल पुलिस मेमोरियल को भी देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। वह भी हमारे उस विचार का प्रतिबिंब था जिसके तहत हम मानते हैं कि देश को उन पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो अनवरत हमारी सुरक्षा में जुटे रहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप
राष्ट्रीय सैनिक स्मारक और नेशनल पुलिस मेमोरियल को देखने जरूर जाएंगे। आप जब भी जाएं, वहां ली गई अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले और वे भी इस पवित्र स्थल, इस मेमोरियल को देखने के लिए उत्सुक हों। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के लिए आपके हजारों पत्र और कमेंट मुझे अलग अलग माध्यमों से पढ़ने को मिलते रहते हैं। इस बार जब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था, तब मुझे आतिश मुखोपाध्याय जी की एक बहुत ही रोचक टिप्पणी मेरे ध्यान में आई। उन्होंने लिखा है कि वर्ष 1900 में 3 मार्च को अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था। तब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल की थी। यह संयोग ही है कि 3 मार्च को ही जमशेदजी टाटा की जयंती भी है। और वे आगे लिखते हैं, ये दोनों व्यक्तित्व पूरी तरह से दो अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, जिन्होंने झारखंड की विरासत और इतिहास को समृद्ध किया। मन की बात में बिरसा मुंडा और जमशेदजी टाटा को श्रद्धांजलि देने का एक प्रकार से झारखंड के गौरवशाली इतिहास और विरासत को नमन करने जैसा है। आतिश जी, मैं आपसे सहमत हूं कि इन दो महान विभूतियों ने झारखंड का नहीं पूरे देश का नाम बढ़ाया है। पूरा देश उनके योगदान के लिए कृतज्ञ है। आज अगर हमारे नौजवानों को मार्गदर्शन के लिए किसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व की जरूरत है, तो वह है भगवान बिरसा मुंडा। अंग्रेजों ने छिपकर बड़ी ही चालाकी से उन्हें उस वक्त पकड़ा था जब वे सो रहे थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसी कायरतापूर्ण कार्यवाही का सहारा क्यों लिया? क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले अंग्रेज भी उनसे भयभीत रहते थे। भगवान बिरसा मुंडा ने सिर्फ अपने पारंपरिक तीर कमान से ही बंदूक और तोपों से लैस अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था। दरअसल जब लोगों को एक प्रेरणादायी नेतृत्व मिलता है, तो फिर हथियारों की शक्ति पर लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति भारी पड़ती है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने यह सब कर दिखाया। वंचितों और शोषितों के अंधेरे से भरे जीवन में सूरज की तरह चमक बिखेरी। भगवान बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की अल्प आयु में ही अपना बलिदान दे दिया। बिरसा मुंडा जैसे भारत मां के सपूत देश के हर भाग में हुए हैं। शायद हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा होगा कि सदियों तक चली हुई आजादी की इस जंग में किसी ने योगदान न दिया हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनके त्याग, शौर्य और बलिदान की कहानियां नई पीढ़ी तक पहुंची ही नहीं। अगर भगवान बिरसा मुंडा जैसे व्यक्तित्व ने हमें अपने अस्तित्व का बोध कराया, तो जमशेदजी टाटा जैसे शख्सियत ने देश को बड़े बड़े संस्थान दिए। जमशेदजी टाटा सही माने में एक दूरदृष्टा थे, जिन्होंने न केवल भारत के भविष्य को देखा, बल्कि उसकी मजबूत नींव भी रखी। वह भली भांति जानते थे कि भारत को साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का हब बनाना भविष्य के लिए आवश्यक है। यह उनका ही विजन था जिसके परिणाम स्वरूप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना हुई, जिसे अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहा जाता है। यही नहीं, उन्होंने टाटा स्टील जैसे कई विश्व स्तरीय संस्थानों को और उद्योगों की भी स्थापना की। जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात अमेरिकी यात्रा के दौरान शिप में हुई थी। तब उन दोनों की चर्चा में एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ था। कहते हैं, इसी चर्चा से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव पड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह दिन 4 वर्ष में एक बार ही आता है। सहज, शांतिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी
मोरारजी भाई देश के सबसे अनुशासित नेताओं में से थे। स्वतंत्र भारत में संसद में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी भाई देसाई के ही नाम है। मोरारजी देसाई ने उस कठिन समय में भारत का कुशल नेतृत्व किया जब देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को खतरा था। इसके लिए हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनकी आभारी रहेंगी। मोरारजी भाई देसाई ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में खुद को झोंक दिया। इसके लिए उन्हें वृद्धावस्था में भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उस समय की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी चुनाव जीती तो वो देश के प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान ही 44वां संविधान संशोधन लाया गया। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इमरजेंसी के दौरान जो 42वां संशोधन लाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम करने और दूसरे ऐसे प्रावधान थे जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते थे, उनको वापस किया गया। जैसे 44वें संशोधन के जरिए संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही का समाचार पत्रों में प्रकाशन का प्रावधान किया गया। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियों को बहाल किया गया। इसी संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का आपातकाल के दौरान भी हनन नहीं किया जा सकता है। पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई कि मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे। साथ ही यह भी तय किया गया कि आपातकाल की अवधि को एक बार में 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से मोरारजी भाई ने यह सुनिश्चित किया कि आपातकाल लागू कर 1975 में जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की गई थी, वह भविष्य में फिर दोहराया ना जा सके। भारतीय लोकतंत्र के महात्म्य को बनाए रखने में उनके अमूल्य योगदान को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेगी। एक बार फिर ऐसे महान नेता को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हर साल की तरह इस बार भी पद्म अवार्ड को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता थी। आज हम एक न्यू इंडिया की ओर अग्रसर हैं। इसमें हम उन लोगों का सम्मान करना चाहते हैं जो ग्रासरूट लेवल पर अपना काम निष्काम भाव से कर रहे हैं, अपने परिश्रम के बल पर अलग अलग तरीके से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। दरअसल वे सच्चे कर्मयोगी हैं जो जनसेवा, समाज सेवा और इन सब से बढ़कर राष्ट्र सेवा में निस्वार्थ जुटे रहते हैं। आपने देखा होगा जब पद्म अवार्ड की घोषणा होती है तो लोग पूछते हैं कि ये कौन है। एक तरह से इसे मैं बहुत बड़ी सफलता मानता हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो टीवी, मैगजीन या अखबारों के फ्रंट पेज पर नहीं है। ये चकाचौंध की दुनिया से दूर हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो अपने नाम की परवाह नहीं करते, बस जमीनी स्तर पर काम करने में विश्वास रखते हैं। योगः कर्मसु कौशलम्, गीता के संदेश को वो एक प्रकार से जीते हैं। मैं ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ओडिशा के दैतारी नायक के बारे में आपने जरूर सुना होगा। उन्हें कैनाल मैन ऑफ द ओडिशा यूं ही नहीं कहा जाता। दैतारी नायक ने अपने गांव में अपने हाथों से पहाड़ काटकर 3 किलोमीटर तक नहर का रास्ता बना दिया। अपने परिश्रम से सिंचाई और पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म कर दी। गुजरात के अब्दुल गफूर खत्री जी को ही लीजिए। उन्होंने कच्छ के पारंपरिक रोगन पेंटिंग को पुनर्जीवित करने का अद्भुत कार्य किया। वे इस दुर्लभ चित्रकारी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बड़ा कार्य कर रहे हैं। अब्दुल गफूर द्वारा बनाई गई ट्री ऑफ लाइफ कलाकृति को ही मैंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को उपहार में दिया था। पद्म पुरस्कार पाने वालों में मराठवाड़ा के शब्बीर सैयद गौमाता के सेवक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने जिस प्रकार अपना पूरा जीवन गौमाता की सेवा में खपा दिया, यह अपने आप में
अनूठा है। मदुरई चिन्ना पिल्लई वही शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले तमिलनाडु में कलंजियम आंदोलन के जरिए पीड़ितों और शोषितों को सशक्त करने का प्रयास किया, साथ ही समुदाय आधारित लघु वित्तीय व्यवस्था की शुरुआत की। अमेरिका की ताओ पोर्चोन लिंच के बारे में सुनकर आप सुखद आश्चर्य से भर जाएंगे। लिंच आज योग की जीती जागती संस्था बन चुकी है। 100 वर्ष की उम्र में भी वे दुनिया भर के लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रही है और अब तक 1,500 लोगों को योग शिक्षक बना चुकी है। झारखंड में लेडी टार्जन के नाम से विख्यात जमुना टुडू ने टिम्बर माफिया और नक्सलियों से लोहा लेने का साहसिक काम किया। उन्होंने न केवल 50 हेक्टेयर जंगल को उजड़ने से बचाया बल्कि 10,000 महिलाओं को एकजुट कर पेड़ों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। ये जमुना जी के परिश्रम का ही प्रताप है कि आज गांव वाले हर बच्ची के जन्म पर 18 पेड़ और लड़की की शादी पर 10 पेड़ लगाते हैं। गुजरात की मुक्ताबेन पंकज कुमार दगली की कहानी आपको प्रेरणा से भर देगी। खुद दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने दिव्यांग महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य किए, ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। चक्षु महिला सेवा कुंज नाम की संस्था की स्थापना कर वे नेत्रहीन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के पुनीत कार्य में जुटी हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर की किसान चाची यानी राजकुमारी देवी की कहानी बहुत ही प्रेरक है। महिला सशक्तिकरण और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में उन्होंने एक मिसाल पेश की है। किसान चाची ने अपने इलाके की 300 महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गांव की महिलाओं को खेती के साथ ही रोजगार के अन्य साधनों का प्रशिक्षण दिया। खास बात यह है कि उन्होंने खेती के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ने का काम किया। और मेरे देशवासियों, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस वर्ष जो पद्म पुरस्कार दिए गए उसमें 12 किसानों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। आमतौर पर कृषि जगत से जुड़े हुए बहुत ही कम लोग और प्रत्यक्ष किसानी करने वाले बहुत ही कम लोग पद्मश्री की सूची में आए हैं। ये अपने आप में ये बदलते हुए हिंदुस्तान की जीती जागती तस्वीर है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज आप सबके साथ एक ऐसे दिल को छूने वाले अनुभव के बारे में बात करना चाहता हूं जो पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूं। आजकल देश में जहां भी जा रहा हूं, मेरा प्रयास रहता है कि आयुष्मान भारत की योजना पीएम जय यानी पीएम जन आरोग्य योजना के कुछ लाभार्थियों से मिलूं। कुछ लोगों से बातचीत का अवसर मिला है। अकेली माँ, उसके छोटे बच्चे पैसों के अभाव में इलाज नहीं करवा पा रही थी, इस योजना से उसका इलाज हुआ और वो स्वस्थ हो गई। घर का मुखिया मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की देखभाल करने वाला एक्सीडेंट का शिकार हो गया, काम नहीं कर पा रहा था, इस योजना से उसको लाभ मिला और वो पुनः स्वस्थ हुआ, नई जिंदगी जीने लगा। भाइयों और बहनों, पिछले 5 महीनों में लगभग 12 लाख गरीब परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। मैंने पाया कि गरीब के जीवन में इससे कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आप सब भी यदि किसी भी ऐसे गरीब व्यक्ति को जानते हैं जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहा हो तो उसे इस योजना के बारे में अवश्य बताइए। यह योजना हर ऐसे गरीब व्यक्ति के लिए ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्कूलों में परीक्षा का समय शुरू होने ही वाला है। देश भर में अलग अलग शिक्षा बोर्ड अगले कुछ हफ्तों में 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड के इम्तिहान के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को और सभी टीचर्स को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ दिन पहले दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा का एक बहुत बड़ा आयोजन टाउन हॉल के फॉर्मेट में हुआ। इस टाउन हॉल कार्यक्रम में मुझे टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश विदेश के करोड़ों स्टूडेंट्स के साथ, उनके अभिभावकों के साथ, टीचर्स के साथ बात करने का अवसर मिला। परीक्षा पे चर्चा
इसकी एक विशेषता यह रही कि परीक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर खुलकर बातचीत हुई। कई ऐसे पहलू सामने आए जो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। सभी विद्यार्थी, उनके शिक्षक, माता पिता YouTube पर इस पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आने वाले परीक्षा के लिए मेरे सभी एग्जाम वॉरियर्स को ढेरों शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की बात हो और त्योहार की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद ही हमारे देश में कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिसका महत्व ही ना हो, जिसका कोई त्योहार ना हो, क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की ये विरासत हमारे पास है। कुछ दिन बाद महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और इस बार तो शिवरात्रि सोमवार को है, और जब शिवरात्रि सोमवार को हो तो उसका एक विशेष महत्व हमारे मन मंदिर में छा जाता है। इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन पहले मैं काशी गया था। वहां मुझे दिव्यांग भाई बहनों के साथ समय बिताने का मौका मिला। उनसे कई विषयों पर चर्चा हुई और उनका आत्मविश्वास वाकई प्रभावित करने वाला था, प्रेरक था। बातचीत के दौरान उनमें से एक प्रज्ञा चक्षु नौजवान से जब मैं बात कर रहा था तो उसने कहा, मैं तो स्टेज आर्टिस्ट हूँ, मैं मनोरंजन के कार्यक्रमों में मिमिक्री करता हूँ। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, आप किसकी मिमिक्री करते हो? तो उसने बताया कि मैं प्रधानमंत्री की मिमिक्री करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा, जरा करके दिखाइए। और मेरे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य था कि उन्हें मन की बात में जिस प्रकार से मैं बात करता हूँ उसी की पूरी मिमिक्री की, और मन की बात की ही मिमिक्री की। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि लोग न सिर्फ मन की बात सुनते हैं बल्कि उसे कई अवसरों पर याद भी करते हैं। मैं सचमुच में उस दिव्यांग नौजवान की शक्ति से बहुत ही प्रभावित हुआ। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आप सबसे जुड़ना मेरे लिए एक अनोखा अनुभव रहा है। रेडियो के माध्यम से मैं एक तरह से करोड़ों परिवारों से हर महीने रूबरू होता हूँ। कई बार तो आप सबसे बात करते, आपकी चिट्ठियाँ पढ़ते या आपके फोन पर भेजे गए विचार सुनते मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मुझे अपने परिवार का ही हिस्सा मान लिया है। यह मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभूति रही है। दोस्तों, चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। अगले 2 महीने हम सभी चुनाव की गहमा गहमी में व्यस्त होंगे। मैं स्वयं भी इस चुनाव में एक प्रत्याशी रहूंगा। स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान करते हुए अगली मन की बात मई महीने के आखिरी रविवार को होगी, यानी कि मार्च महीना, अप्रैल महीना और पूरा मई महीना, ये 3 महीने की सारी हमारी जो भावनाएं हैं उन सबको मैं चुनाव के बाद एक नए विश्वास के साथ, आपके आशीर्वाद की ताकत के साथ फिर एक बार मन की बात के माध्यम से हमारी बातचीत का सिलसिला का आरंभ करूंगा और सालों तक आपसे मन की बात करता रहूंगा। फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।